आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। जब सुर एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के मार्ग पर चलते हैं, तो अगर सुरों के बीच में अंतराल भी हो, तो जो उस अंतराल को महसूस न कर सके, उन भावनाओं को समझे, वही संगीत है। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, वो इन्हीं भावनाओं को समझती है, संगीत में जीती है, संगीत ही उनकी जिंदगी है। शख्सियत दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुमेधा और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्लासिकल सिंगर शोभा चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास शो में। धन्यवाद। पिछले कई वर्षों से संगीत का सफर जारी है, ताने आलापों की तरह जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आखिरकार संगीत ने इन्हें इनकी मंजिल को मिलवा दिया। तो आज हम जानेंगे कैसा रहा इनका ये पूरा संगीत का सुरमई सफर, कितने ताने आलाप इन्हें अपनी जिंदगी में लेने पड़े। आज हम इनके व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा वर्धा से इंदौर तक का पूरा सफर? वर्धा में आपका जन्म हुआ, वर्धा में आप पली बढ़ी, और संगीत का जो बीज प्रस्फुटित हुआ था वो वहीं हुआ। तो हम जरूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि उस बीज प्रस्फुटित होने के पीछे क्या कहानी है। मैं जैसे कि कहा, वर्धा में जन्मी हूँ और वर्धा के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कैंपस में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर कैंपस में मिजोरम, नागालैंड, यहाँ से और भी अन्य जगहों से जो बच्चे आते थे हिंदी सीखने के लिए और हिंदी के एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए हमारी समिति में कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। और मैं बिल्कुल छोटी थी, छोटेपन से मैं वो देखती आ रही, और मेरे ही घर के सामने बड़ा सा स्टेज था। स्टेज पर जो कार्यक्रम होते थे, कैसे लोग गा रहे, कैसे नाच रहे, डांस भी कर रहे, नाटक कर रहे, सब कुछ, कवि जो है वो कविता भी अपने सुनाते थे, तो सभी तरह का वहाँ कार्यक्रम होता था। और वो कहीं ना कहीं मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था, मैं जाकर बैठती थी। और मुझे लगता है कि तभी से वो एक अंदर कि नहीं, मैं मुझे भी ऐसा करना अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ तभी से एक बीज मेरे अंदर उगरा होगा। मेरे नसीब से उसी कैंपस में राष्ट्रभाषा के एक संगीत की स्कूल शुरू हुई। और इतने सालों नहीं थी, लेकिन मैं कितनी 9 साल की थी तब संगीत की एक स्कूल जी हुई। माना जाता है कि अक्सर जो शास्त्रीय संगीतज्ञ रहते हैं या जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, उनके परिवार में ऐसा माहौल रहता है या पिताजी उन्हें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें विरासत में संगीत मिलता है, लेकिन आपने अपनी शुरुआत खुद करी। हाँ, विरासत में तो संगीत नहीं था, क्योंकि पिताजी वहाँ पर परीक्षा मंत्री ऑफिसर थे बड़े, मम्मी तो हाउसवाइफ थी और घर में ही सारा कुछ हम लोगों का करती थी। मुझे संगीत क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, कैसे संगीत सीखा जाता है, कैसे ये फील्ड होता है, और इस फील्ड में आगे अगर सीखना हो तो क्या करना है, कुछ भी जानकारी नहीं, पूरा अंधकार था। और राष्ट्रभाषा समिति के कैंपस में जैसे मैं कूप मंडूक जैसी ही रहती थी कि हमें समिति के बाहर का कुछ मालूम ही नहीं होता था। एक तो छोटे थे, हमें कुछ करना ही नहीं है, बाहर जाना है बस, स्कूल के लिए आना है। मैं पेंटिंग की क्लास जाती थी बस उसके लिए, जो 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 क्लासेस करनी है वो कैंपस के बाहर जाना है, आना है घर में बस, और इसके अलावा बाहर की दुनिया मालूम नहीं थी। और ऐसे में तो कुछ मालूम ही नहीं है, और गाना करने का तो सवाल ही नहीं उठता, गाना बस सीखना है, यह एक मेरी रट में लगाती थी हमेशा। पिताजी को भी कहती थी कि बाबा मुझे गाना गाना है। उन्होंने एक बार किसी के मुंह से मैंने सारेगमो पधनी सवारे से हमारे कैंपस में वो सुन लिया, और उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या है सारेगमो पधनी सा, वही पापा को पूछा घर में जाके, पापा बोले ये तो शास्त्रीय संगीत के सुर हैं और यह आधार है हर गीतों का। तो फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ी और मुझे लगा कि ये मुझे जानना है और मुझे सीखना है। तो पापा से ऐसी बात हो रही थी, और उन्हीं दिनों में वहाँ पर हमारे कैंपस में सिंधुताई नामजोशी मैडम ने वहाँ पर एक स्कूल खोली,
और अभी वो स्कूल में आएगा, कौन दो बच्चों को पकड़ती थी हम लोगों को पकड़, अरे आओ मैं गाना सिखाती हूँ, अरे तुम आओ मैं गाना सिखाती हूँ। तो ऐसे 3-4 बच्चे इकट्ठे हुए और हम उनके अंडर गाना सीखने लगे। जी, लेकिन आज का दौर आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स खुद बच्चों को लेकर जाते हैं, पेरेंट्स में ज़्यादा उत्साह रहता है बच्चों को सिखाने का, तो आपने ये चीज़ उस समय कहीं मिस करी? पहले कहाँ पेरेंट्स इतना ध्यान देते थे, एक तो घर में माहौल भी वैसा नहीं था, और जिनके घर में विरासत या परंपरा से ये चलता आ रहा है उनको तो हम कहते कि रग रग में भी उनके खून में भी संगीत ही दौड़ता है। हम तो इस सब चीज़ों से बहुत दूर थे, और मेरे फैमिली में बहुत, हम 4-5 हमारे भाई बहनें, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वहाँ पर भी पिताजी का इतना ध्यान नहीं था कि जैसे घर में पल रहे, बड़े हो रहे। आज का तो वातावरण अलग ही हो गया है कि बच्चा भले ही ना सीखना चाहे, पेरेंट्स को ज़रूर उनको वॉइस ऑफ इंडिया में भेजना है और इंडियन आइडल में भेजना है। पेरेंट्स चाहते कि हम नहीं कर पाए तो हमारी आपकी पहला आपका प्रतियोगिता आपकी कौन सी थी जिसमें आप शामिल हुई थी, संगीत प्रतियोगिता? मैं वैसे तो गणेशोत्सव में जो छोटी बड़ी प्रतियोगिता होती थी उसमें शामिल होती थी, और हमारी कैंपस में वो होता था, तो कैंपस में होता था, तो बहुत छोटी थी तो उस समय कई बार प्राइजेस मिले थे। और छोटेपन में क्या होता है कि कुछ भी कोई चीज़ कोई दूसरा देता है ना तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, तो प्राइज़ कुछ भी मिलता हो, छोटा डिब्बा क्यों ना मिला है, लेकिन नहीं मेरा गिफ्ट है, वो मेरा प्राइज़ है, तो वो बड़ा होता। उसके बाद फिर कॉलेज में जाने के बाद तो अनेकों बार। जी, आपने मैथ साइंस लेकर आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करी जी, लेकिन आपके ही कॉलेज के पास में एक आर्ट्स का भी कॉलेज था जहाँ पर संगीत की शिक्षा विशेष तौर पर दी जाती थी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि कूपमंडुक थी मैं, बिल्कुल हमारे कैंपस के बाहर क्या हो रहा, तो आपको ये भी नहीं पता था कि संगीत में MA भी हो सकता? नहीं, किसी ने बताया भी नहीं कि BA होता है, MA होता है, और घर में भी ऐसी कोई बात नहीं निकली, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे एक ज़रूर मालूम था कि गणित में BSc होता है और वो वर्धा में है कॉलेज, तो जानकी देवी बजाज साइंस कॉलेज ऑफ वर्धा, वहाँ पर मेरी एडमिशन हुई और मैंने गणित लेकर BSc किया, उसके बाद BEd किया, और ये करते करते साथ साथ में गाना लेकर मैं संगीत विशारद कर रही थी, तो मेरा संगीत का भी अभ्यास चल रहा था जी। इन सब बातों पर यकीन करना वाकई बहुत कठिन हो जाता है जब हम देखते हैं किसी एक ख्याति मिल जाने के बाद व्यक्ति को, कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता ही ना हो कि इस क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है, क्या कर सकते हैं। वाकई ये जिंदगी की हकीकत है, लेकिन इन सब हकीकतों से ही, हम संघर्ष से ही हम सीखते हैं जी। तो आपने पहली बार आप वर्धा में अपने कॉलेज के ज़माने में आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, और आपकी कॉम्पिटिटर्स थी जो संगीत सीख रहे थे। तो मैं साइंस कॉलेज में थी, और साइंस कॉलेज के प्रतिनिधि कोई म्यूज़िक के कॉम्पिटिशन में जाते नहीं थे, लेकिन जैसे हमारे कॉलेज में मालूम हुआ कि मैं गाना गाती हूँ या मैं सीख रही हूँ, तो मुझे उन्होंने भेजा कि हमारे कॉलेज की तरफ से आप इंटरमीडिएट म्यूज़िक कंपटीशन में आप प्रतिभागी बन के आप जाइए। मैं गई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरा नंबर आया जी। कौन सा वो गीत था जो आपने गाया था सबसे पहले प्रतियोगिता में? मैंने कुहू कुहू बोले गोयलिया, यह गीत गाया था, और मुझे शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत ही अच्छे लगते थे, मैं वही गाया करती थी कॉम्पिटिशन में। मैं जहाँ पर भी जाती थी मैं वही गीत गाती थी, और इसलिए मुझे लगता है कि उस वर्ष मेरा नंबर आया जी। अब यहाँ पर गाने की बात हुई है तो ज़रूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो, जो गीत आपके दिल के करीब हो। अभी तो शास्त्रीय संगीत में मैं शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, ठुमरी टप्पा यही सारा गाती हूँ। फिल्मी गीत तो मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि अब उसमें से मेरा दिमाग निकल गया है और इसमें ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मैं एक गिरजा देवी जी की एक ठुमरी है, एक दादरा है, कहनवा मानो राधा रानी, कहनवा मानो राधा रानी, कहनवा मानो
राधा रानी कहनवा मानो, ओ राधा रानी कहनवा मानो राधा रानी। बहुत खूब बहुत खूब। ये है सुरों की साधना, ये है सुरों की पूजा। अब हम सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, वर्धा से इंदौर की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके संगीत के सफर को इंदौर में आकर और गति मिली? बिल्कुल, क्योंकि वर्धा में मैं बीएससी बीएड ये सब करते करते परिस्थिति मेरी ऐसी थी कि मैं वहाँ पर मैथमेटिक्स की ट्यूशन भी करती थी, और ये सब करते करते गाना मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, लेकिन मेरी अब गाने की तरफ देखने की दृष्टि, गाने की तरफ मेरा रुझान और बढ़ चुका था, और इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जहाँ पर भी शादी करके जाऊँ वहाँ मेरा गाना कंटिन्यू होना चाहिए। इसलिए मैंने पिताजी को बस एक बात कही थी कि पापा जहाँ पर भी आप देंगे ना वहाँ मुझे बस एक कंडीशन ये है कि मुझे मेरा गाना करने देना चाहिए उन लोगों ने। और यहाँ आने के बाद वो सब इतना सफल हुआ क्योंकि यहाँ पर मेरे ससुर और मेरे मिस्टर इन लोगों ने बहुत साथ दिया, और उन्हीं की वजह से आज तक वो बहुत मुझे मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं घर में भी और मेरे फील्ड में भी जी। इसी वजह से अक्सर बहू को लोग या तो कुछ गहने गिफ्ट में देते हैं या साड़ी देते हैं, लेकिन आपके ससुर जी ने आपको हारमोनियम और तबला उपहार में दिया। मेरा शादी होके मैं यहाँ आई तो मेरा फर्स्ट बर्थडे था, और मुझे नहीं मालूम था, वो उनको भी नहीं मालूम था कि कौन सी हारमोनियम खरीदनी है या तबला खरीदना है, लेकिन एक परिचित थे उनके, उनके माध्यम से वो हारमोनियम और तबला मुझे पहले जन्मदिन यहाँ पर आने के बाद, इंदौर का जो मेरा पहला जन्मदिन था उस दिन उन्होंने हारमोनियम और तबला गिफ्ट। तो उस दिन वो उपहार देख के आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? आपको लगा कि नहीं यहाँ मेरा संगीत जिंदा रहेगा? नहीं, मैं मुझे वो तो मुझे बिल्कुल लगा कि अब इनकी ही चाह है, क्योंकि ये भी फिर यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वो चाह रहे थे उनकी बेटी को भी सिखाना, लेकिन वो हो नहीं पाया आगे। वो क्लास में भी जाती थी यहाँ पर इंदौर में, लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि मेरी बेटी करे वो उन्होंने शायद बहू से पूरी करने के लिए पूरी छूट दे दी। जी बहुत खूब। फिर उसके बाद आपने कहाँ पर संगीत सीखा? मैंने यहाँ यहाँ आने के बाद घर में मुझे ऐसा लगता था कि कुछ पैसे की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने सर्विस की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थी मैं 26 साल मैंने सर्विस की, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रहते हुए मैंने एमए किया, एमफिल किया, एमए में गोल्ड मेडल मेरा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में मुझे गोल्ड मेडल दिया। एमफिल में मेरा अपने यूनिवर्सिटी का 93% का रिकॉर्ड है, जो म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर मैंने काम किया था। और उसके बाद वहाँ पर एमए और एमफिल में जो सिखाने के लिए पंडित वामनराव राजूरकर आते थे, तब मुझे पता पड़ा इतने सालों के बाद कि इंदौर में ही ग्वालियर घराने के इतने बड़े गायक हैं। और यह कब की बात है, करीब 90 की होगी, मैं 80 में यहाँ आई इंदौर में। 10 साल तक मुझे नहीं पता पड़ा कि यहाँ ग्वालियर घराने के इतने बड़े, और वो भी मेरे घर के आसपास ही राजेंद्र नगर में। तो तब मैंने जैसे वो टप्पा वगैरह सिखाने आए, टप्पा एक विधा होती है, टप्पा सिखाने के लिए जब कॉलेज में आए, तब मुझे लगा कि अरे वाह बहुत ही बढ़िया, और मुझे अब घरानेदार गुरु मिल गया। मैंने तो तुरंत दूसरे दिन जाकर उनसे बात करी, और मेरा सुबह 7 बजे बुलाते थे, मेरा ऑफिस होता था 10-10:30 बजे, बैंक होती थी, लेकिन मैं 7 से 8 उनके पास जाकर सीखती थी। जी देखिए, एक संगीत की शिक्षा लेने का एक माहौल अलग होता है, घर परिवार का माहौल अलग होता है, और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि शादी के बाद में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। तो कैसे आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने शौक को बरकरार रखने के लिए कैसे आप सामंजस्य बनाकर चली? एक तो थोड़ा सा पहले दिन, एक दिन पहले ही प्लान करके चलना पड़ता है कि कल क्या करना है और कौन से समय क्लास रहेगी, बच्चों को छोड़ना है, लेने जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है, ये वो हमारे बैंक में भी जाना है, बैंक से आने के बाद क्या करना है।
थोड़ा प्लान करके, और मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे मिस्टर का बहुत मुझे सपोर्ट रहा, इस वजह से ये सब हो पाया जी। तो कभी यहाँ ससुराल में आने के बाद किसी ने संगीत की शिक्षा ली आपसे, आपके परिवार के सदस्यों ने, आपके बच्चे संगीत सीखते हैं? मेरे बच्चों को मैं संस्कार डालने के हिसाब से उनको सिखाना चाह रही थी, लेकिन मेरी जो मेहनत और श्रम, वो जो देख रहे थे कि सुबह 4 बजे उठ रही हैं और रात को भी मैं 2, 12, 12:30, 1 बजे तक सोती थी, अभ्यास करती थी, एमए कर रही थी ना, तो अभ्यास करती थी, कुछ थ्योरी का भी पढ़ती थी, सुबह फिर रियाज के लिए उठती थी, तो शायद उन्होंने वो देखा। फिर भी चार पांच परीक्षा तो दोनों ने दी है, बेटे ने भी मेरे तबले में 4 परीक्षा दी, बेटी ने दी 4-5 परीक्षा, लेकिन उसके बाद जब उनकी इच्छा होती थी, कहते थे कि मम्मी आज मुझे फलाना राग सिखाओ ना, तो मैं कहती थी कि देखो ऐसे नहीं कि जब तुम्हारे मन में आए तब सिखाओ, फिर 4 दिन छुट्टी हो गई, ये करना है तो नियमितता बहुत ही ज़रूरी है, सातत्य ज़रूरी है, और बिल्कुल करना है तो तुम डेडिकेशन से करो, तो मैं रोज़ तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन वो बोले मैं उठूंगी तो नहीं सुबह जी। हम सुबह नहीं उठेंगे, वो तो देर से उठने वाले हैं सब जी। तो वो नहीं, संगीत के लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है, और समय देना पड़ता है। सुबह की जो हम कहते शक्कर वाली नींद होती है, मराठी में हम कहते साखर सोप, तो ये जो सुबह की नींद होती है उसमें से उठना और फिर अपना स्वराभ्यास करना। अभी भी आप स्वरों का अभ्यास करती हैं, रियाज आपका जारी रहता है? बिल्कुल, सुबह मैं उठती हूँ, स्वराभ्यास करती हूँ, करना ही पड़ता है जी। वो करना ही पड़ता है, जब तक वो नहीं करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो कहते हैं कि आपको समझ में आया कि आज हमने नहीं किया, 2 दिन नहीं करेंगे तो समझ में आता है कि पड़ोसी भी समझ रहे, जान रहे कि आपने नहीं किया, और 4 दिन नहीं करेंगे तो जमाना जानेगा कि आपने नहीं किया। बहुत खूब। यहाँ पर एक संगीत थेरेपी की बात मैं करूँगी, आप संगीत थेरेपी पर काम करती हैं, आपको कितना आप मानती हैं कि बीमारियों को ठीक करने में थेरेपी कारगर है? ये थेरेपी कारगर है, संगीत म्यूजिक थेरेपी जो है सपोर्टिंग है, मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि अगर संगीत थेरेपी अगर करना हो तो सारी दवाइयाँ छोड़ दो और फिर सिर्फ संगीत की थेरेपी करो, तो वो नहीं, ये सपोर्टिंग है, सिर्फ एक सप्लीमेंट जी। आपने इसको कहीं एक्सपेरिमेंट किया है? हाँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, दोनों केस स्टडीज जिसे एक पेपर जी। वो मेरे पास है, लेकिन मेरी जैसे कि शुरू से इच्छा थी कि मुझे गाना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा समय कम में दे रही थी, उसके लिए मैंने वो 2 एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि किसी एक पेशेंट को अगर ठीक करना है या एक पेशेंट के लिए हम काम करते हैं तो आपका पूरा, सिर्फ आपका समय नहीं जाता, आपका दिलो दिमाग भी जाता है पेशेंट में कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, हमें सोच भी हम वैसे ही होती है ना। तो मेरा जो लक्ष्य था कि मुझे गाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और अभ्यास करना है, तो रागों का अभ्यास, रागों का रियाज ये बाजू में रह जाता, और मैं फिर हालांकि म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी रेयर है, ये थेरेपी करने वाले रेयर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए और अभ्यास की ज़रूरत है। और अभ्यास कैसे कि मैं जैसे म्यूजिक थेरेपी पर थीसिस लिख रही थी तो रागदारी, संगीत, अध्यात्म, संगीत, आयुर्वेद और फिर ज्योतिष शास्त्र जी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आप सिर्फ संगीत कर रहे हैं, आपको आयुर्वेद तो नहीं मालूम, आप आयुर्वेद का अभ्यास करने के लिए अब 4 साल, ये बहुत विस्तृत वास्ट है, इतना वास्ट विषय था कि मैंने कहा कि इसमें तो बहुत समय जाएगा, उसके बाद एक एक पेशेंट को ठीक करने में या प्रयोग करने में, दो पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स आए, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए मैं नहीं हूँ जी। कभी अपना तय करना पड़ता है कि नहीं। चलते चलते अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने पूरी संगीत की ही बात करी, लेकिन संगीत आपके लिए क्या है, आप कैसे परिभाषित करेंगे संगीत को आपके जीवन से? संगीत ही मेरा जीवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं संगीत पाने के लिए, संगीत करने के लिए, पाना ये शब्द गलत है, संगीत करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, और दिन भर मैं उसी में रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, मेरा काम, मेरा रियाज करती हूँ, फिर घर के काम करके आती हूँ, फिर मेरा
जो भी मुझे पढ़ना है करना है फिर करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर तो ये मेरा और सिखाने का बीच बीच में सिलसिला चलता है। तो सिखाना मेरा स्वयं करना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, ये पूरा जी। डिजिटल युग में आप विदेशी विद्यार्थियों को भी सिखा रही हैं कुछ? हाँ, विदेशी विद्यार्थी मेरे पास है। मैं अमेरिका में सिखाती हूँ, यूके में सिखाती हूँ, फ्रांस में मेरे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, और अभी ब्राज़ील की एक स्टूडेंट, ब्राज़ील भी सिखा रही हूँ। आज हमने यहाँ पर मुलाकात करी शोभा चौधरी जी से, और वो आपके सामने अब कुछ गुनगुना कर इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। मन हर लीनो, मन हर लीनो, मन हर लीनो मोरा रे, श्याम सुंदर की प्यारी सुरतिया, मन हर लीनो मोरा रे, श्याम सुंदर की प्यारी सुरतिया मन। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।